फ्रेंड्स एक हमारा पास देखिए ये मयूरी का ई रिक्शा आया हुआ है और ये देखिए मयूरी है ये, ठीक है। और मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का मैं वो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये वीडियो, अगर आप लोग मैकेनिक हैं या रिक्शे वाले हैं, अगर आप पूरा नहीं देख रहे हैं ना तो नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है कि मीटर में लाइट नहीं आ रही है। आ रही है जी? नहीं आ रही है। अब इसको आप लोग भी देखिएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसका चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो चेक करना होता है, तो इसका देखिए डिगी खोलेंगे, पकड़िए। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हैं? आगरा से। आगरा से आए हैं? आगरा अच्छा, यादवारपुर है, यादवारपुर अच्छा, ये ताजमहल के पड़ोसी है, कल मेरा मतलब इतना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका ये निकाल रहा हूँ, अगर इस कंडीशन से प्रॉब्लम कभी आता है तो हमें चेक क्या करना है। रिक्शे वाले भाई, नंबर अगर स्क्रीन पे चल रहा है तो फ़ोन मत करिएगा बिल्कुल वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आप लोग फ़ोन सबसे पहले कर देते हैं। ये इसलिए सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज, रास्ते में अगर आप लोग फंसे हैं तो कैसे ठीक करेंगे इसको, मैं वो तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं बिना मीटर और मीटर दोनों का यूज करूँगा। सबसे पहले मैं इसको देखिए, इसको पकड़िए सर, अब आप शूट कीजिए सही से, परफेक्ट तरीके से इसको हाथ में एक बार डाल लीजिए। देखिए तो सबसे पहले अगर रिक्शा हमारा कहीं बंद पड़ता है, मीटर में लाइट चली जाती है, तो पहला स्टेप हमारा ठीक करने का जो होगा वो आपका देखिएगा ये चेक करना होता है, चाबी वाला स्विच। चाबी वाला स्विच में देखिएगा तो यहाँ पे तार लगा है, अगर वैसे जनरली क्या होता है, सॉकेट लगा होता है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे तार लगा है तो हम क्या करेंगे, इसको तार को क्या करेंगे, खोल लेंगे, ठीक है। तार को देखिए यहाँ पे टेप को खोल लेंगे, लाइए सर चाकू थोड़ा, देखिए यहाँ पे हमने इसके तार को खोल लेना है। अगर आपके भी रिक्शे में अगर लाइट नहीं आ रही है, चलते चलते बंद पड़ गया है, तो भाई यही तरीका अपनाना है। इसके मैं चैन इस वीडियो पे मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ अपना, कुछ भी नहीं दूंगा मैं इस नंबर वीडियो पे, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों को, और स्टूडेंट हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है, ताकि इसको कैसे हमें फॉल्ट को क्या करना है जी, पकड़ना है, ठीक है। देखिए टेप को हमने क्या किया, खोल लिया है, कोई बात नहीं। और इसको खोलने के बाद हम आपस में टच करेंगे, देखिए ये दोनों तारों को, मतलब जो वायरिंग से देखिए, एक तो लाल और एक ऑरेंज कलर का तार आ रहा है ना, देखिए दिखाई, थोड़ा जूम कर लीजिए सर, देखिए लाल और ऑरेंज कलर का तार आ रहा है ना जी। लाल तो हमारा 48 वोल्ट हो गया प्लस, और ऑरेंज हमारा जा रहा है, तो इसमें देखिए यहाँ पर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब इधर से हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम मीटर का यूज नहीं कर रहे हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद अगर इधर से नहीं है तो हमें इसके बाद चलना है बैटरी की तरफ, अभी बीच में हमें नहीं देखना है कुछ भी। बैटरी की तरफ चलेंगे तो पकड़िए, बैटरी की तरफ चलने के बाद हमें जितनी बैटरी, देखिए फॉल्ट मिला, देखा कि नहीं दिखा आपको, मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं किया भाई, ये तो छूते ही ठीक हो गया, ये ही फॉल्ट होते हैं। देखिए ये हंसने वाली बात होगी, कमाल है, अभी हमने वीडियो स्टार्ट ही करी ससुरा की पूरा खत्म ही हो गया, इसको मत छोड़ दीजिएगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये बैटरी का तार टूटा हुआ है, देखिए अगर इसको टच करूंगा तो देखिए यहाँ पे पटाखा होगा और मीटर में लाइट आ जाएगी। देखिए चाबी ऑन कीजिए, छोड़िएगा मत, रुकिए, देखिए उधर आगे जाके दिखाइए सर, मीटर में दिखाइए, हाँ दिखाइए, आ गई, देखिए लाइट आ गई, देखिए हटा रहा हूँ, लाइट चली गई। तो भाई चलिए इसको अब ठीक हुआ है, कोई बात नहीं, आ जाइए लाइए इधर। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या था कि अभी मान के चलिए कि बैटरी का ये तार टूटा हुआ था तो फॉल्ट था, नहीं होता तो क्या करते, अगर ये नहीं होता तो उसके लिए एक हमें कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे इसको मैंने खींच के देखा, वैसे इसको खींच के देखिए, सबको इसको खींच के देखिए, रास्ते में बंद पड़ गया है, उसके लिए बता रहा हूँ भाई। अगर वीडियो नहीं देख रहे हो ना तो जानकारी नहीं मिलेगी, अगर वीडियो अच्छा नहीं है तो छोड़ के चले जाना, बिल्कुल कोई गम नहीं है, बंद करिए इसको। इसके बाद आगे चलिए, इधर देखिए, इसको देखिए, इसको खींच के देख लीजिए, देखिए ये ठीक है, ओके है, इसको खींच के देख लीजिए, ये भी ओके है, इसको खींच के देख लीजिए, ये ओके, अगर ये सब ठीक है, जैसे अभी हमें को फॉल्ट मिल गया लेकिन ये सब ठीक है, तो आगे चलेंगे डिग्गी के पास। डिग्गी के पास क्या करना है, पकड़िए सर, डिग्गी के पास देखिए ये MCB लगी है, MCB लगी है, इस MCB को चेक करना है कि ये MCB खराब तो नहीं है,
क्या चेक करना है? एमसीबी को। एमसीबी को चेक करने के लिए, इसको पकड़ करके दबाइए मत, हाँ, एमसीबी को चेक करना है कि ये ख़राब तो नहीं है। अब रिक्शा वाला है भाई, इसमें आप लोगों के गाड़ी में रिक्शे पेचकस तो ज़रूर होगा, इसमें चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है। इस दोनों तारों को खोल के यहाँ से निकाल कर ये दोनों तारों को आपस में टच कर लेना है। क्या करना है? दोनों तारों को टच कर लेना है और कुछ नहीं। मैं अभी लाइव करके दिखा रहा हूँ। लाना जरा पेचकस भाई, पेचकस लाइए सर, पेचकस उधर ही है, पकड़े। हाँ हाँ करे। देखिए ये पेचकस ले लीजिए, छोटा वाला ला दे तो ज़्यादा बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं। पकड़िए हरा वाला लाइए, हाँ वो वाला लाइए, लीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है कि इस एक तार को देखिए, यहाँ से पेचकस को क्या करना है, क्या करना है जी? लूज करके निकालना है, लूज करके निकाल लेना है और इसको दूसरे तार पे टच करके आपको ऐसे देख लेना है। अगर चालू हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चालू हो गया तो भाई इसको क्या करो, दोनों तारों को खोल के एक दूसरे के अंदर ऐंठ लो और लेके चले जाओ। गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी और ना ही उससे आपका चार्जर, कंट्रोलर में या मोटर में किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा। एमसीबी सिर्फ इसलिए लगा हुआ है ताकि आपकी गाड़ी में एक प्रोटेक्शन बना रहे, ठीक है जी? हो गया। उसके बाद इसको हम टाइट कर देंगे, अगर यहाँ से प्रॉब्लम नहीं मिलता है तो टाइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर टाइट कर देते हैं, प्रॉब्लम नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका एक और बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, एमसीबी ख़राब है या नहीं है, फिर एक और तरीका है। देखिए ये चार्जिंग का जो दो तार निकले हैं आपके, देखिए ये चार्जिंग का दो तार निकला है ना, यहाँ पर देखिए तार निकला होगा प्लस माइनस, एक तार की तो पूरी लच्छी ले लीजिए और एक तार की लच्छी में से सिर्फ एक तार लेना है, एक तार लेना है, एक तार क्या लेना है, एक तार, एक तार केवल केवल एक तार। उसको टच करिए जाके पीछे से जरा, अगर वो पीछे से बैटरी के कनेक्शन बिल्कुल ठीक होगा, आराम से तोड़िए मत, हाँ ठीक है। देखिए अगर बैटरी का कनेक्शन, इसका मतलब आपकी चार्जिंग केबल तक बैटरी का वोल्टेज आ रहा है, तो मैंने अभी ध्यान दीजिएगा कि कोई मीटर का यूज किया जी इसमें, मैंने बिना मीटर का चेक कर रहा हूँ मैं। अगर देखिए इसको टच कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऐसा होगा, क्या होगा, ऐसा होगा। देखिए दोबारा एक बार और देखिए, यहाँ देखिए, देखिए ऐसे उड़ेगा ये। अगर इस तरीके से हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बैटरी की कनेक्शन जो नीचे की तार है वो सब क्या है, ठीक है, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आपका चार्ज रिक्शा चालू नहीं हो रहा है तो इधर दिखाइए, नीचे पकड़िए, ये देखिए इसके बाद भी चालू नहीं हो रहा है तो आपके कंट्रोलर में से ये कि 48 वोल्ट का तार निकला होगा। दिखाइए थोड़ा जूम करिए सर, जूम करवाओ बाबू, ये देखिए, ये लाल कलर का भी हो सकता है या नीले कलर का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेल पिन लगा होगा, क्या मेल, मेल पिन और फीमेल पिन का मैं फ़र्क बताता हूँ। देखिए ये पिन निकला हुआ है, निकला हुआ है ना, तो ये मेल हो गया और ये क्या है, जाके फंस रहा है तो क्या हो गया, फीमेल हो गया। देखिए लाल हो सकता है या आपका नीला हो सकता है, मेल पिन है तो इस तार को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो आपका 48 वोल्ट का मोटा तार है, जो कंट्रोलर के अंदर लाल तार गया है, जैसे चार्जिंग वाला तार है, उसमें आप इसको डायरेक्टली जोड़ेंगे ऐसे करके, ऐसे करके, देखिए दिखाइए इधर, ऐसे करके, तो ये बिना चाबी के चालू हो जाएगी गाड़ी आपकी, डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट सही है। अगर नीचे से वायरिंग का, जैसे पतला वाला वायरिंग का कोई फॉल्ट होगा तो आप इसको डायरेक्ट करके भी क्या करेंगे, चालू कर सकते हैं। जाइए टच करके दिखाइए, चलता है कि नहीं चलता है देखेंगे हम लोग। टच करिए, देखिए उन्होंने टच कर दिया है। अब देखिए मैं, देखिए मीटर में लाइट नहीं आ रही है, दिखाइए सर, चाबी मान के चले, चाबी वाला स्विच खराब है, तो इसको देखिए, इसको टच करेंगे तो क्या लगता है, रिक्शा चलेगा ना? देखिए यहाँ पे सही से टच करिए सर, एमसीबी चालू करते हैं, चालू है यार, हाँ क्या बात है, सही से लगाइए, कुछ बोल ही नहीं रहा यार, एक मिनट, हाँ लगाइए, चलिए कोई बात नहीं, रुक जाओ अभी देखते हैं। देखिए देखिए अब यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया है, देखिए देखिए चल रहा है, देख रहे हैं, देखिए चल रहा है, देखिए लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, देखिए
लोड ले रहा है, देखिए मीटर की चाबी बंद है, देखिए चला रहा हूँ, देखिए चल रहा है। देखिए अब इसमें क्या है कि अब इससे अगर गाड़ी आपकी चल जाती है तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये जो पतले वाले जो तार हैं ये अंदर से नीचे से, देखिए नीचे से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, नीचे दिखाइए तो छोड़ दीजिएगा सर, नीचे दिखाइए, यहाँ पर जो ये तार की ज्वाइंट पड़ी है ना, दिख रहा है जी, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ये तार की जो ज्वाइंट है यहाँ से आपका तार अंदर से कोई ना कोई तार क्या हो गया है, टूट गया है या तो जल गया है। तो इस तरीके से आप मिस्त्री के दुकान तक ले जाके इसको ले जाकर वहाँ पर ठीक करा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो में काफ़ी मैंने जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जानकारी दी हुई है स्टेप बाय स्टेप, अभी तक इसमें कोई भी इस तरीके का आपको नहीं जानकारी दिया होगा, ठीक है। तो इसको अभी मैंने लाइव ली, मैंने सब कुछ बताया इसको, तो इस तरीके से आप लोग चेक करके ठीक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।